नौमई के वाकयात में शेख रशीद की 25 नवंबर तक तौसी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने दरख्वास्तें जो है जमानतों पर समाप्त की। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने तमाम जहनी मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हफ्ते में सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि हमारे खिलाफ कितने मुकदमा दर्ज हैं। आज 23 मुकदमात में सरकार ने मजीद तैयारी की इस्तदा की है। सरकार का इसरार था कि एक हफ्ता मजीद दिया जाए। चिल्ले से 3 दिन पहले मुझ पर एक भी मुकदमा नहीं था। अब तक 68 केसेस सामने आ चुके, बाकी अल्लाह बहुत बड़ा है। 9 मई के वाकयात में शेख रशीद की 25 नवंबर तक ये तौसी है। मजीद तफसीलात जानेंगे, चौधरी सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी चौधरी सज्जाद जी बिल्कुल, रावलपिंडी सादे दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद और शेख राशिद शफी की दरख्वास्त जमानतों पर 25 नवंबर तक दिए तौसी कर दी गई है। दरख्वास्त जमानतों की समाअत सादे दहशतगर्दी अदालत के जज मलक इजाज आसफ ने की। शेख रशीद अहमद की सादे दहशतगर्दी अदालत की बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि आज 23 मुकदमात में सरकार ने मजीद तैयारी की इस्तदा की है। सरकार का इसरार था कि एक हफ्ता मजीद दिया जाए। जमानतों में 25 नवंबर तक तौसी कर दी गई है। 25 नवंबर को सुबह यहाँ और दोपहर में इस्लामाबाद में ट्रायल होगा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस अब्दुल अजीज ने तमाम जमानतें मुकदमात का रिकॉर्ड जो है अब्दुल अजीज ने तलब कर रखा है। हफ्ते में सरकारी दुनिया में पता चल जाएगा कि हमारे खिलाफ कितने मुकदमा दर्ज है। चले से 3 पहले मुझ पर एक भी मुकदमा नहीं था। चिल्ले से पहले मेरे पर एक भी मुकदमा नहीं दर्ज था। 68 केसेस कब तक सामने आ चुके हैं, बाकी अल्लाह जानता है कि इसके बारे में मुझे अभी तक कुछ नहीं पता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी सज्जाद।